पीलीभीत के जिलाधिकारी ने किया धान क्रय केंद्र का निरीक्षण। खबर उत्तर प्रदेश के जिला पीलीभीत से, जहां जिलाधिकारी ने न्यूरिया जाकर धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी के अचानक पहुंचने से धान क्रय केंद्रों पर हड़कंप मच गया। डीएम पीलीभीत ने न्यूरिया के 2 धान क्रय केंद्र का निरीक्षण किया। केंद्र इंचार्ज से मानक पूरा न होने तथा मानक बढ़ाने को लेकर निर्देश दिए। जिलाधिकारी के अनुसार एक विशेष टीम बनाकर जांच की जा रही है, जिससे धान खरीदा गया है वो वास्तव में किसान ही है। किसी अन्य सूत्र से धान लिया गया या दिखाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई तथा FIR दर्ज की जाएगी। सर, यहाँ पर आज औचक रूप से 2 धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण करा गया, SS न्यूरिया का और न्यूरिया तुलसी का निरीक्षण करा गया मेरे द्वारा। यहाँ पे काफ़ी मात्रा में धान पड़ा हुआ था दोनों केंद्रों में है। आज त्यौहार होने की वजह से थोड़ा लेबर भी कम था, तो उसको लेबर बढ़ाने के लिए बोला गया है। साथ ही साथ पिछले कई दिनों का इनका मानक देखा गया, जो 600 क्विंटल का मानक है वो पूरा नहीं हो रहा था। केंद्र प्रभारी को अंतिम रूप से चेतावनी दी गई है कि हर हाल में अपना दैनिक मानक पूरा करें, क्योंकि इस समय भारी संख्या में किसान केंद्रों पर आ रहे हैं। बोरों की जो समस्या थी वो हल करा दी गई है, तो बोरे उपलब्ध हैं यहाँ पे हैं। इनको एक चेतावनी दी गई है दोनों केंद्रों पे है कि चाहे देर रात तक केंद्र खोलना पड़े, लेकिन किसान भाई को 1868 के हिसाब से जो सरकारी मूल्य है वो मिलना चाहिए और उसी के हिसाब से खरीद होनी चाहिए। सर, और केंद्रों का निरीक्षण करने की योजना है अभी? इसी तरह से रोज ही जो बाहर भी केंद्र हैं मंडी के बाहर, उनका भी ऐसे ही निरीक्षण होगा। हर हालत में दैनिक टारगेट जो है वो पूरा होना चाहिए। साथ ही साथ एक विशेष टीम बना के ये जांच कराई जा रही है कि जिनसे ये धान खरीदा जा रहा है वो वास्तविक में किसान होने चाहिए है, धान के किसान होने चाहिए है। किसी भी अन्य स्रोत से अगर धान लिया गया और दिखाया गया तो उसमें कड़ी कार्रवाई करते हुए FIR होगी और उसमें सभी की जिम्मेदारी तय होगी।